तो यही भी एक सरकार आग रख दे प्रदेश में तो बुढ़े तंग कर दिए छकली 10 साल उम्र छकली के पसीने आ गए गलत समय से चला गया था चला भी क्या गया था उड़ा साहब ने जो मार खाई है थोड़ी बहुत है तो वीरेंद्र ने एक बात कही थी वो थोड़ा बहुत सुधार तो मैं बैठ गया मेरे मारे आ रही ई भी मारे है अब की बार चीफ मिनिस्टर बनेगा ना सबके काम करेगा भाई डांगर कल परसों भी मैं समझ गयो इन्फेक्शन हो कर नहीं पानी तो कुछ नहीं कर रखा पाइप पास हो जाए नहीं कुछ नहीं नहीं पानी बिना लगाई तो खीर हंड है भैया तो राम राम जी नमस्कार। मैं दीपक नंबरदार और फिलहाल आप जुड़ गए भाई जनता की जुबान और डीएन हरियाणा एक साथ आप देख रहे हैं और मैं फिलहाल मौजूद हूँ हल्का जुलाना गांव मेरड़ा और मेरड़ा में काफ़ी लोग हैं यहाँ तालाब पे आए हुए हैं और मैसों को लेकर जो पानी पिलाने आए हुए हैं इनसे बात कराएंगे कि भाई जो जुलाना विधानसभा का जो इलेक्शन है हरियाणा का उसमें लोगों का क्या मानना है किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं क्या चाह रहे हैं इनसे बात कराएंगे एक बार आ जाओ भाई उसका क्या मतलब भाई बर्त लिया काम मारा उसने दो पाइपलाइन तो बिछवाई है और बाकी विधायक बनावा क्यों भाई इन ये बना आगरा के लिए भाई एक आदि के नाम आवाज का को नौकरी नाकरी ठिया हंगा तो जब्बे लाओ आदमी आज कल आदमी हंगा नहीं ला रहा कहता भाई किसी का पर्सनल काम एक आधा लकड़ है पर्सनल काम नहीं होया भाई सब किसी का भी हाँ जुलाना की देख ले भाई हालत है विधायक तो बोलिया जाए जुलाना का हाल देख लो किसा है जो चुनाव होगा विधानसभा का मुख्यमंत्री का उसमें कांग्रेस बनेगी भाई अच्छा हाँ बीजेपी तो राज्य नहीं ना कोई राज्य नहीं कांग्रेस पर है तो सारे कांग्रेस ही बैठे हैं हाँ टिकट किसने मिली चाहिए आपका गांव में तो भी एक कैंडिडेट है हम तो गांव का हिस्सा है जो बाकी फिर वो है गांव तो बाहर जावांगे हर जा उसने नहीं मिले रोहित ने और फिर और जो सभी कांग्रेस कैंडिडेट उसको लगा लेंगे कांग्रेस का चाहिए हाँ कांग्रेस का चाहिए हमने तो कांग्रेस का चाहिए बीजेपी तो क्या दिक्कत होगी दिक्कत को किए बतावा भाई हमने तो किमें दिक्कत नहीं फिर न्यू है कांग्रेस चाहिए इसको कांग्रेस का रोला हो जाए देखिए भगत भी कहने लगे हैं पहले कांग्रेस थी उसने बढ़िया काम करवाए थे कराए काम बतेरे कराए काम बतेरे करवा किसने बीजेपी बीजेपी ने बीजेपी ने क्या करा भाई कुछ नहीं करा हमारे से हम तो कांग्रेस ने कराया था कि मैं जीरी का भाभी जी तुम बता पिछले 5 वर्षों में विधायक अमरजीत डांडा थे और हरियाणा में सरकार थी बीजेपी के साथ कोई विकास करी हुए हमारा काम तो है नहीं कि मैं डांडा का उसमें नहीं विधायक ने कोई काम निकरानों का पाइपलाइन पास करा रखी है बहुत सारे रोड बनवा दिए और भी कुछ कर कुछ नहीं कर रखा पाइप पास हो जाए नहीं कुछ नहीं नहीं पानी बिना लगाई तो खीर हंड है भैया तो जोड़ा अब पानी नहीं पीने का मारे डिग्गी नहीं पानी नहीं कोई दिन यार देख ले तू ये भी सर पर न करवा देखो पानी भी किसा गंदा डंगर कल परसों भी मैं समझ गयो इन्फेक्शन हो कर नहीं पानी तो और बाकी कोई काम नहीं होया भाई जाल जुड़ तो लाए हैं जाल लाए हाँ जाल लाए हैं चौकटे पर को जैसे चौकटे नहीं चुके उन पर जाल ला रखे हैं और बाकी बाकी एक नाली नुली बनवा दिए कर दिए ये मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए उड़ा चाहिए हमने तो भाई उड़ा चाहिए हाँ ये खट्टर ने कि मकान नहीं हुआ ना हमने कौन जन्दा खट्टर पट्टर उड़ा ठीक से हाँ उड़ा ठीक है मारा पहले आया था पहले काम करवाए और खूब करवाए अच्छा ये आपके काम में रोहित दलाल है अनिल दलाल है एक लाठर है मेरा बेटा हो अच्छा रोहित दलाल मिलनी चाहिए थी मतलब आप अपने पूरा काम राज्य उसमें जमा पूरा काम काम नहीं मरा का सारे गुआंड भी गाम राम पूछा है उसने जमा सब खुश है उसके ऊपर अच्छा सारे जमा बड़ा ये लागा आपने इसका सरकार हरियाणा में हरियाणा में भाई हम कांग्रेस की सरकार ले आवाएंगे अच्छा और पूरे दबाव के साथ ले आवाएंगे बदलोगे बिल्कुल बदलाएंगे भाई साहब अच्छा और बताओ टिकट एक तो हमारा गांव का है इसने मिल गई तो धनबाग धनगढ़ी सारा गांव राज्य है और राज्य मारा क्यों भाई हमारा हल्का है भाई हमें हंगा ला जाएंगे बिल्कुल पूरा हंगा लावांगे और कांग्रेस और किसे दे दे उसमें भी जतावांगे किसे न दो मतलब से
उसने जो किसी ने भी दो बार पहले परमेंद्र डूल था कांग्रेस में आ गया ही वो ये डूलती दे दे तोरे डूल ना जमा कड़का चाल मारेंगे भाई डूल में राजी नहीं हो ना डूल में नहीं भाई अरे कहवा बना लिया निर्दलीय बना लिया वो राजमा भी रह लिया बोले मेरे ती के मैं वो तो मिलता ही नहीं के मिला रहे नहीं पीछे पैसे ग्रांट है सारे बैठ कर चाय बिगड़ा कि अपने शरीर पर ला जाओ तो काम नहीं करा कुछ भी नहीं करे भाई इसने मर्जी ठंड है इसने भी कुछ नहीं करे भाई अच्छा। एक पाइप लाइन थी मारी प्याओ की पीने का पानी की कड़े तो बुआ जी मंजूर हो यार कर दे यार सप्लाई आ रही है अरे पानी दो भी लकड़ा था अपना वो कर दे और मैं आया था अमृत ठंडा ना मार को मारे नहीं आया भाई बस एक बार आया दो बार आया होगा बस सुना दे ठीक है आप ठीक हो दमा सही है के लगा आपने की बार के लगा हमने तो कोई सा जो हमने तो मैं बगदा नहीं था फिर भी नू है बीजेपी ने काम ठीक कराए पहले कांग्रेस थी उसने ठीक करवाए हमने तो बताओ रही है पाइप लाइन पीने की नहीं आती है पीने का पानी की सुविधा नहीं है नहीं है अच्छा पहले तो कोई नेता आया है गांव में नेता तो रोज आऊंगे रोज रोज पीछे दिक्कत ही हो ना हाँ भरी हो हाँ तो सारे भर कजा है किस ना भरी अमरजीत ना भरी हाँ भरी हाँ अरे भाई और मैं इसको सीखता हूँ हाँ भरी अच्छा किसी ने कम नहीं करा रहा कोई काम चालू नहीं ना ना पास भी नहीं कराई तो ये जहाँ था कांग्रेस के लाग रहे हो कांग्रेस के लोग पढ़ ले भी थे पहले पढ़ भी थे कांग्रेस के लोग टिकट की रहे टिकट किसने दो पूरा और कम कांग्रेस की किसने दे दो हाँ तो कड़क उत्तम बंद कर अच्छा हाँ अरे आपका जो गांव वाला रोहित दलाल हाँ यू गांव पर हमने पूछ के खड़े हुआ है ये लोग कई सालों से खड़े हैं दी पार्टी में तो पुराना है लेकिन राजी सारा काम हाँ राजी फल राजी आज ये हरियाणा विधानसभा 2024 चुनाव को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और लगातार सच्चा सर्वे आपको दिखा रहे हैं और उसी कड़ी में हम मेरठ के दूसरे कोने पर फिलहाल आए हैं। एक कोने पर हमने आपको दिखाया, दूसरे कोने में फिर तलाद पे यहाँ लोग बैठे हुए हैं और एक एक वोट कीमती है, एक एक आदमी की जानकारी, एक एक आदमी का विचार जो है जरूरी है, उसी में हम बात करेंगे यहाँ मौजूद गणमान्य व्यक्तियों से और गाँव के गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। राम राम ताऊ। हाँ जी, का सरकार में केला गा अपने हरियाणा में कौन? हरियाणा में भाई उड्डा जीतता था आपका। अच्छा, टिकट ठिकाना सिर दिन जागा जीतता था सारा ही। टिकट का क्या विचार लग गया? टिकट तो रोज दलाल ने देगा। पक्की मान रहे हो? हाँ, और भी है एक दलाल और भाई है, एक नरेंद्र लाठर है, एक कर 16 है राजपाल लाठर है, फिर इससे का हाल कम दो। अच्छा, रोज दलाल का आपने घूम के देखा है? हाँ, बच्चर का मम हंड लिया भाई, 9 साल हो गए हंड लिया ना, जमा पक्का बना का जी। आपका गांव तो हरोई दलाल है? हाँ। गांव राम राजी है उसमें? भाई साहब चुच्ची बच्चा राजी हमारा तो। अच्छा, हम तो बाट देखने लाग रहे। हाँ, ये टिकट किस टाइम ही बटन लाग जाए और उससे टाइम ही अपना काम शुरू कर लिया, काम तो अभी शुरू कर रहे हैं। दो तीन तीन तो बस चल रहा है इसकी, हरिद्वार खातर हल्का में पूरा में आज गांव हो गए होंगे 30-32 गांव हो गए हरिद्वार घुमाते घुमाते, और भाई मेहनत कर रहा छोरा, अच्छी नहीं कर जी लाग है। पहले तो भाई जब मामने को जाने आए को नहीं करता, सुन ले साची के पूछेगा मारा तो गांव ने को चिदा छड़ा जाने करता है भाई को, मेरेडा गांव भी पड़ा कूण ही में मारा लास्ट की कूण में गांव सही हो लास्ट गांव से इस साइड में सोनी पता जाया है। आज ही महाराज बेहतर के बेहतर काम में मैं नू जाना। हाँ भाई, रोहित दलाल की उस तक भाई गांव में रड़स है कई गांव अच्छे। हुड्डा साहब को दे मेरे आधार पर टिकट देवांगे, कोई समीकरण और बन जाए हैं, जैसे परमेंद्र डोल भी कांग्रेस में आ गया, किसी और ने टिकट दे दे पार्टी फिर के करोगे? भाई साहब रोहित इसने परमेंद्र डोल लागा दो अपना हल्का में किमे सिस्टम रह है को नहीं परमेंद्र डोल हो जा परमेंद्र डोल दोनों डोल लागा दो भाई साहब है आप इन है तो भाई हल्का एक बार नकार दिया करन जिसे ने देखो मैं मेरी भी है ना 40 साल की उम्र होली 42 साल की हमने देखा है अरे दो तब ऊपर तीसरी बार किसी ने इलेक्शन लड़ाया तो हारे हारे हैं कोई जीता कोई को नहीं अरे हल्का इन दोनों डोला नकार चुके भाई साहब इनको नहीं छिक लिए लोग ने मेरा लगा काम तो कुछ करवाना नहीं दो बार तो इधर में डूल लड़ लिया दो बार इसने कांग्रेस को भाई डाउन डाउन लेके आया ऊपर तो चढ़ाया नहीं इतना भी
इलेक्शन पता नहीं इलेक्शन नहीं लड़न आया क्या इमेज खराब थी इसकी क्यूकर के सिस्टम था अपन दबेरा नहीं नू तो यू आ गया क्या नाम है परमिंदर सिंह डूल आ गया यू हो गया पलटू राम और नू नीतीश कुमार ने नहीं कहा कर पलटू राम आड़ा जुलाड़ा है पलटू राम यू है भाई बीजेपी में किसी ने तो पार्टी दाप का कुछ छोटे कौन रखी जिनसी पार्टी में यू गया नहीं तो कांग्रेस पार्टी टिकट देगी उसकी जो भाई उनका खुद बढ़िया आदमी होगा सर्वे में बढ़िया होगा लिखेगा उसकी टिकट देंगे टिकट ना देती भाई रोहित दलाल है हाँ और पड़ोस का गवानील दलाल है भाई हाँ हाँ उसको टिकट मिल जाए फिर दे उसकी टिकट मिलेगी तो बदे भाई है उसका गले भी लगाएंगे और उससे ना कुछ नुकवाएंगे तो भाई मारा भाई को नहीं मारा भाई साहब ही बराबर का ठीक है ना बाकी मेहनत और जो भी सिस्टम है रोहित ज्यादा कर रहा है अगर भाई रोहित अनिल दलाल ने मिलेगी तो भाई वो भी मारा है भाई है वो कुछ दूर का है तो हम भाई का गले यहाँ मौजूदा विधायक है अपना मर्जी डंडा हाँ वो भी खड़ा होगा वो भी आओ वोट मांगने भाई इफ तो सारे आओगे रुका तो कोई को नहीं उसका क्या मतलब भाई बर्त लिया काम मारा उसने दो पाइपलाइन तो बिछवाई है और बाकी विधायक बनावा क्यों भाई इन ये बना आगरा के लिए भाई एक आदि के नाम आवाज का को नौकरी नाकरी ठिया हंगा तो जब्बे लाओ आदमी आज कल आदमी हंगा नु ला रखा था भाई किसी का पर्सनल काम एक आधा लकड़ है पर्सनल काम नहीं होया भाई सब किसी का भी हाँ जुलाना की देख ले भाई हालत है विधायक तो बोलिया जाए जुलाना का हाल देख लो किसा है सारा टूटिया पड़या है विधायक बने तो कम तक कम जून सीट पर लड़ा है उसका तो काम सुथरा कर दो ऐसा का लोग आन जान में सुविधा हो जाए ना भूल जाओ ना 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 आपने के लागा है इस बार कांग्रेस भाई कांग्रेस 99% अच्छा 100% तो भगवान भी नहीं है 99% नहीं नहीं आधा में नहीं आंधी इसमें तो मुख्यमंत्री उड़न चाह अच्छा। राव भी गा और जब उसमें तो हुए जब कभी नहीं आया ना फिर उड़ान दा भी नहीं अच्छा। भी तो भी कौन है समीकरण ये मांग रहे हाँ अरे भाई चीफ मिनिस्टर बन देने मिले चाहिए हम एमएलए का बढ़िया कैंडिडेट देंगे तो रोहित दलाल है अच्छा। और उड़ा चीफ मिनिस्टर जब बनेगा पहले एमएलए बने जब उड़ा चीफ मिनिस्टर बने तो रोहित दलाल बीजेपी से एक और है सुरेंद्र लाठर ना कुछ भी नहीं बीजेपी ने तो भाई बतेरा घर गाल दिया और बीजेपी मतलब बीजेपी से नाराज हो भाई सीएम खट्टर था उससे नाराज हुआ नहीं चीफ मिनिस्टर से तो ईब उड़ा चाहिए चाहिए बदलाव चाहती है भूपेंद्र हुड्डा को चाहिए ये तो इन अपना वोट का सोचा है इनती का कौन बदल दी इनको सोचा है हाँ फिर एक बात होता जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी जब लखन बाजरा तक लगड़ा करते मेरा लाख जहर था चीन चला शुरू हो गया हाँ कोई विकास कर ही नहीं रोड टूटे पड़े थे चलाने के हाईवे भी नहीं बनाया था लखन बाजरा तक फिर आप भूपेंद्र हुड्डा करे इस भूपेंद्र हुड्डा को ही जब भी भूपेंद्र हुड्डा को लोग चाहिए थे यकीन थी गलत समय से चलिया गया था चलिया भी क्या गया था हुड्डा साहब ने जो मार खाई है थोड़ी बहुत है तो वीरेंद्र ने एक बात कही थी वो थोड़ा बहुत सुधार तो मैं बैठ गया मेरे मारे आ रही ई बीस मारे है अब की बार चीफ मिनिस्टर बनेगा ना सबके काम करेगा भैया दो बार आईडी जयसिंह को विधायक बनाया भूपेंद्र हाँ बतेरा हो गया था ये तहसील तहसील सारा सौदा बनया उस टाइम गया भाई या मंडी बनी तो बीजेपी ने सब डिवीजन बना दिया अरे बीजेपी तो कुछ भी कन दियो को ना मेरे अरे मोदी का चाडा चढ़िया बोला रही भी नहीं लग गया था कितने धूल में लठे भाई सरकार बदलाव तो यही यार एक सरकार आग रख दे जिसने तो बूढ़े तंग कर दिए छक लिए 10 साल उम्र छक लिए पसीने आ गए।